सब आई होप सब लोग बहुत अच्छी होंगी। तो गाइज अभी अभी ना हम लोगों ने, मैंने और अनमोल ने कुछ इंस्टाग्राम के लिए वीडियोस बनाई है ना, तो अनमोल भी अब सीख गया है। और आज ना ये वाली बेडशीट बिछी हुई है, काफ़ी मतलब ये इतना इतना सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, मतलब इस पर बैठ के ना सुकून सा मिलता है, अच्छा सा लगता है बहुत ज़्यादा। जो चीज़ सॉफ्ट सॉफ्ट होती है, मुलायम होती है ना, उस चीज़ की बात ही अलग होती है। और अनमोल देखो कैसे कर रहा है, अगर तू मारेगा मारेगा इसने ना मुझे आज बहुत मारा गाइस, मारेगा, पढ़ाई करेगा आ? करेगा पढ़ाई सच्ची पढ़ाई तुम। आज अनमोल को ना बहुत ज्यादा मस्ती सूझ रही है ना, इसको बहुत 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 ज्यादा मस्ती सूझ रही है, इसकी कुटाई हो जाएगी, आज कुटाई हो जाएगी। आज तो तुम्हें शादी में नहीं ले जाऊंगी, फिर देख लियो मम्मी। तो यहाँ पे ये दोनों बाप बेटी जा रही थी, अपने बाबा के घर जा रहा था काफ़ी टाइम में, तो उन्होंने ना इसको सपने में देखा था, तो उनको याद आ रही थी, तो फिर ये चला गया था। आ जाओ धीरे से आना, अंधेरा हो रहा है। ओ इतना इशारा दिया बाबा ने, अरे वाह बाबा तो बहुत अच्छे हैं बाबू के। कैसा लगा आपको बाबा के पास जाके? अच्छा बहुत ज़्यादा लगा। रसगुल्ले भी दिए? ओले वाह छोटे छोटे। अच्छा ठीक है आ जाओ। तो गाइज अभी अभी अनमोल आया है अपनी दादी दादा के घर से, बहुत दिन में गया है ना अनमोल। तो अनमोल कह रहा है मम्मी मुझे वहाँ से आके ना बड़ा अच्छा लग रहा है, मुझे बुआ ऐसे बोल रही थी, अम्मा ऐसे बोल रही थी, सबकी स्टोरी बताता है कौन क्या बोल रहा था। और यहाँ मुझे थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की लग रही थी भूख, तो यहाँ बना रही हूँ मैं, वो जो जबे होते हैं ना छुके वाले, वो मैंने बनाए हैं, फिर मैं खाऊंगी, भूख लग रही थी बहुत ज़्यादा। तो ये ऐसी चीज़ होती है जो फटाफट से जल्दी से बन के रेडी हो जाती है, तो बस वो मैंने लगा बना के रख दिया, फिर मैं खाऊंगी एंड थैंक यू। तो फ्रेंड्स देखिए ये बन गए हैं, पता है झटपट बन जाते हैं, और मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाया है क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा थी। अनमोल खा लो, खा लो अनमोल। नहीं कुछ नहीं है डला, खा लो। गाइस आज अनमोल ने फरमाइश की कि मम्मी पकौड़े में प्याज के और आलू के पकौड़े बनाओ, तो वो ही मैं नाश्ते में बनाने जा रही हूँ। तेल चढ़ा दिया है, गर्म हो गया है, और इस फोन को लगा देती हूँ ट्राइपॉड पे। तो यहाँ पे बन रहे हैं आज हमारे घर पकोड़े, तो नाश्ते में ना फिर सबका मन हुआ था कि ना पकोड़े और चाय का, तो अनमोल के पापा तो चाय भी नहीं लेते हैं, लेकिन वो हाँ खाली पकोड़े तो खा लेते हैं। तो मॉर्निंग में वो क्या करते हैं, हमेशा चाय कभी नहीं लेते, तो अनमोल का तो फेवरेट ये नाश्ता हो गया था कि उसे बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो यहाँ देखिए मैं ना उसे थोड़ी सी कफ में दूंगी, क्योंकि इसी के सहारे से वो पकोड़े खा लेगा, नहीं तो ना बहुत रोता है और जिद करके बैठ जाता है। और सुबह सुबह जब बच्चे रोते हैं ना, तो एक तो माइंड इतना अपसेट हो जाता है, क्योंकि मुझे जो बेमतलब में बच्चे रोते हैं ना, वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो यहाँ हमारा गाइस नाश्ता लग गया, आप लोग भी हमारे सुबह का नाश्ता कर लीजिए। तो मैं अनमोल को आवाज़ दे रही थी कि आ जाओ अनमोल तुम अपना नाश्ता ले जाओ, पर वो कह रहा था जितने भी आपने पकौड़े बनाए ना मुझे सारे चाहिए। चलो मैं देती हूँ नाश्ता रखने से, बिखर जाएगा बेटा, आप लेके जाओगे तो बिखर जाएगा। टॉयज तो हटाओ, टॉयज हटाओ। तो यहाँ पे ना मैंने उसको बोल दिया, मैंने कहा तुम टेबल पे और सोफे पे बैठ के आराम से नाश्ता करो, क्योंकि जैसे मैं जहाँ पे मैं करती हूँ ना वहीं पे नाश्ता आके करेगा। तो मैंने कहा चलो मैं भी तुम्हारे पास बैठ जाती हूँ, और मॉर्निंग में गाइस बहुत सारे काम हो जाते हैं, तो वो बैठा दिया था। और पता है पीछे म्यूजिक चल रहा था, इसलिए मुझे वॉइस ओवर करनी पड़ रही है। अच्छा मम्मा की भी है इसमें, पापा की भी है, ऐसे थोड़ी ना होता है। पापा फिर आएंगे, आ रहे हैं पापा, आप जब तक नाश्ता करिए अपना। तो नाश्ता वगैरह हम सबका हो गया है, और उसके बाद मैंने बना दिया था, सब्जी बनाने के लिए रख दी थी, क्योंकि मैं क्या करती हूँ जब मेरा एक काम ख़त्म होता है ना, तो मैं अपने सुबह सुबह के टाइम में क्या करती हूँ, गैस को बिल्कुल खाली नहीं छोड़ती हूँ, एक काम तुरंत हुआ तो फिर दोबारा जो मुझे करना है वो मुझे करना ही करना है। क्योंकि अगर आप टाइम को बिल्कुल टाइम को अहमियत नहीं दोगे ना, तो टाइम भी आपको कभी अहमियत नहीं देगा। इसलिए हमेशा समय को बचाना सीखो, उसे अपने ऊपर खर्च करो, अपने ऊपर खर्च करो तो ज़्यादा अच्छा होता है।
तो यहाँ ना मेरा आज दिमाग चल जाता है कभी कभी, तो ये जो एक मेज कवर पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा कि इसे ना मैं इस पर यूज कर लेती हूँ, अच्छा भी लगेगा, तो मैंने इस पर यूज कर दिया है। और जो मेरे म्यूजिक वाले डिब्बे हैं वो मैं इस पर ही लगा दूँगी, तो मेरी खोपड़ी ना चलती रहती है, क्योंकि मुझे अपने घर को अच्छी तरह से रखना बहुत अच्छा लगता है, उसे अच्छी तरह मेंटेन डेकोरेट करके रखना काफ़ी पसंद है, तो मैं छोटा मोटा करती रहती हूँ। ये चले गए हैं अभी ड्यूटी के लिए, और मुझे ना आज बालों में तेल लगाना है, तो मैं पता है बालों में जब मैं तेल लगाने बैठती हूँ ना तो बहुत देर में लग पाते हैं, क्योंकि थोड़े से एक तो लॉन्ग है और फिर मतलब अपना आप से लगाओ तो थोड़ा देर लगती है। और आज अनमोल के पापा से मेरी लड़ाई हो गई है, पता नहीं वो ही लड़े मैं नहीं लड़े, तो जब मेरी उनसे लड़ाई होती है ना तो बिल्कुल दिमाग काम नहीं करता है, मतलब दुनिया से लड़ाई हो जाए पर उनसे मेरी लड़ाई होती है ना तो मेरा दिन ऐसे ही गुजरता है। अब जब आएंगे जब बातचीत करेंगे, तो चले गए मुँह फुला के, मेरे को भी थोड़ा सा लग रहा है जब तक नहीं आ जाएंगे, जब तक बातचीत नहीं होगी ना तो बस कुछ भी अच्छा नहीं लगता, सही बताऊँ यही सोचती रहूँगी। पता नहीं उनका हो जाता है कभी कभी माइंड कुछ बोलो या नहीं बोलो, पता नहीं क्या सोचते हैं उनके दिमाग में क्या चलता है, भगवान जाने। तो बस जल्दी से आएँ और जल्दी से हमारी बोल चालो, नहीं तो मेरा मेरे को रोटी भी नहीं अच्छी लगती फिर जब मेरी उनसे लड़ाई होती है तो सच्ची। तो गैस यहाँ बैठ गई हूँ मैं सिर में तेल लगाने, क्योंकि काफ़ी दिन से मैंने सिर वॉश नहीं किया था, तो मैं ना अपने आप से ही लगा लेती हूँ, और जब ये होते हैं तो ये लगा देते हैं, और ये नहीं थे तो फिर मैं अपने आप से ही लगा रही थी। तो मैं आपको बता देती हूँ, मैं नारियल का तेल और उसमें प्याज का जो रस होता है वो मेरे हस्बैंड ना पिलवा के ही लाते हैं, पिलवा ना मतलब बहुत से लोग समझते होंगे जब सरसों को पिलवाया जाता है ना सरसों को, तो उसी का। तो इसमें क्या कुछ बहुत सारे मिक्सर हैं, पता नहीं क्या क्या मिला हुआ है, तो काफ़ी अच्छा है, मतलब इतनी अगर आप इसे मंथली दो बार भी लगाते हैं ना तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ होती है बालों की, एंड से सिल्की बाल रहते हैं। तो हमेशा मैं सिर वॉश करने से पहले ना इस तरह से लगाती हूँ, धीरे धीरे से लगा। तो यहाँ मैं ना बालों को सुलझा रही हूँ, क्योंकि जब मैं सिर को वॉश करूँगी ना तो इससे क्या होता है कि जब आप बालों को सुलझा लेते हैं ढंग से तो वो ना आपके बाल इतना टूटते नहीं हैं, इसलिए हमेशा सिर वॉश करने से पहले अपने बालों को ज़रूर सुलझाएं। बाल मैंने इतना सारा आज तेल लगा लिया है, ये समझ लो मैंने पूरी कटोरी पलट ली है अपने हुए, तो अच्छा लगता है जब बाल में तेल लगता है ना तो काफ़ी हल्के हल्के हो जाते हैं, और जब इन्हें आप वॉश करते हो तो बहुत ही अच्छा कलर निकल के आता है, एकदम बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट हो जाते हैं। तो हाँ गाइस 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 तो यहाँ मेरे कपड़े भी धुल गए थे, सिर में मेरे तेल तो लग गया था, तो मैंने सोचा जो मेरे अब नहाने से पहले जो काम है वो कर देती हूँ, तो कपड़े वॉश करती हैं, तो मैं जब ऊपर जाती हूँ ना तो मैं यहीं से इनको उल्टा करके ले जाती हूँ, ताकि ऊपर जो हवा लगती है ना वो ना लगे, तो सिर में ना काफ़ी दर्द हो जाता है जब ठंडी ठंडी हवाएँ चलती हैं, तो यहीं से मैं ले जाऊँगी। और अनमोल कहता है कि मम्मा मैं आपकी कुछ हेल्प करूँ, मैंने कहा आप इतनी हेल्प करो कि चुपचाप रहो, क्योंकि अनमोल के जो हमारे के क्वेश्चन है ना वो पूरा दिन इतना चलते हैं कि बहुत ज़्यादा, एक तो आप पूरे घर का काम करो, और काम तो हमें करना ही है खैर हर कोई करता है, और फिर ऊपर से अनमोल बहुत चें 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 बहुत करता है। तो यहाँ मुझे दूध वाले को पैसे देने थे, तो वैसे तो वो बीच बीच में उन्हें ज़रूरत होती है तो मांग लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए मैं बच बच के जा रही हूँ, क्योंकि ना अभी मैंने यहाँ पे मैं धोने ही लग रही थी तो इतने में वो भैया आ गए दूध वाले, तो मैं उनको देख रही थी हैं कहाँ वो, तो वो ना ऊपर वाली पोजिशन में दूध देने चले गए थे, तो मैंने कहा इतनी देर में मैं वेट करती हूँ, इतनी देर में तो मैं दूध को छान कर फिर दोबारा चली जाऊँगी, तो मैं दूध लेके आ गई हूँ, और फिर वो दोबारा आते हैं तो मैं उन्हें दोबारा पैसे दे दूँगी। तो पैसों को मैंने टेबल पे ही रख दिया था, तो यही है ना थोड़ा थोड़ा मतलब होता है ना हमको कि अभी अगर वो खड़े होते तो हम तुरंत देख के आ जाते, फिर दोबारा चक्कर लगाना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए मैं थोड़ा सा यहाँ वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पर ना हल्की फुल्की सी मैंने आज जूते चप्पल काफ़ी वॉश किए थे तो यहाँ पर गंदा हो गया था, तो ये वॉश हो जाएंगे, यहाँ पे अच्छी तरह से धुल जाएगा, क्योंकि यहाँ से तो पानी है वो बाहर भी जाता है और बाहर भी मुझे साफ़ करना पड़ता है, वहाँ एकदम पाइप पर पानी से मारना पड़ता है, क्योंकि इतने गंदा गंदा हो जाता है ना, सब लोगों का आने जाने का एरिया ही मेरे बिल्कुल फ्रंट पे है जहाँ मैं रहती हूँ ना, उसके आगे से ही सब लोग निकलते हैं, जो ऊपर वाला हो चाहे नीचे वाला, तो वो काफ़ी गंदा रहता है, तो इसलिए मुझे ही साफ़ करना पड़ता है। और वैसे तो जो ओनर है उन्होंने मेड लगा भी रखी है, वो पैसे भी लेती है, लेकिन गाइस अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, तो मैंने सोचा चलो इस वीडियो को एंड करके जाती हूँ, फिर वीडियो लंबा हो जाता है तो फिर आप लोग वैसे भी स्किप कर करके देखते हो, तो अपना सपोर्ट तो बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो, तो प्लीज़ वीडियो अच्छा लगता है ना तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो, तो चलिए एंड करते हैं, अच्छा लगता है वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब, बहुत मारूंगी बता, नहीं हाँ।
बोलो गाइस, आज मेरा घर में थे इस कमरे में, कमरा में रूम में। हाँ ठीक है गाइस, बाय बाय।